हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 32। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके सो सबसे पहले एक आपको यहाँ पर कोडेड इनइक्वालिटी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, फाइन। इन सब के साइन पढ़ते हैं। देखिए उसने हैश किस लिए बताया हमें कि के इज नॉट लेस देन पी। अगर के लेस देन नहीं है इसका मतलब क्या होगा, वो ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास हैश। उसके बाद डॉलर का मतलब क्या है कि के इज ग्रेटर देन, मतलब ये हो जाएगा डॉलर। उसके बाद एंड, एंड का मतलब क्या है कि के इज नॉट ग्रेटर देन, अगर वो ग्रेटर नहीं है इसका मतलब क्या हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एंड, फाइन। और एट द रेट का मतलब क्या है कि के इज नीदर ग्रेटर नॉर लेस, ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो लेस है, इसका मतलब इक्वल होगा। तो ये होगा एट द रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ही साइन बचा हुआ है, किसका, स्ट्रिक। वो किसके लिए, लेस देन, मतलब क्या, ये हो जाएगा स्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए उसने स्टेटमेंट पे हमें ये दिया हुआ है, कंक्लूजन क्या पूछा है हमें, डी और के बीच में रिलेशन निकालना है। तो डी आपके पास ये और के आपके पास एक ये है और एक के ये है, तो अब डी से के कैसे आ सकते हैं। अगर मैं डी से पहले ए जाऊँ, फाइन, ए मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर मैं ए से के जा सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं डी से ए जाऊँगा, इन दैट केस मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, इसका मतलब जो साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर आपके पास, एट द रेट मतलब ये, उसके बाद एंड मतलब ये, ठीक है। फिर मैं ए से यहाँ पहुँचूँगा, अब ए से मुझे कहाँ जाना है, के जाना है ना, तो मुझे राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा। और जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूँ तो जो साइन गिवन होता है मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर, मतलब मैं क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक। उसके बाद हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा। अब देख लिए इन में से आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एस्ट्रिक, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, हैश गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड को चेक करते हैं, देखिए ओके सेकेंड उसने ए और जेड के बीच में हमसे रिलेशन पूछा है। तो ए आपके पास ये है, जेड आपके पास ये है, आप ए से जेड कैसे जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट जाएंगे। अगर आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, एट द रेट गिवन है मतलब ये साइन। उसके बाद हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड यूज़ करूँगा। उसके बाद क्या गिवन है आपके पास, डॉलर गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है ना, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एस्ट्रिक की गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये फॉलो करेगा। अब इसके बाद अगर मैं एल और जी की बात करूँ तब देखिए, अब अगर मैं एल की बात करूँ, एल आपके पास यहाँ गिवन है, ठीक है, और जी आपके पास यहाँ गिवन है, तो आप एल से जी कैसे आ सकते हैं, आप एल से के जाइए, ठीक है। अगर मैं एल से के जाऊँगा, इन दैट केस मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन है मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मतलब क्या, डॉलर, ठीक है। फिर के से मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, अब के से मुझे जी जाना है, तो फिर से मुझे लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो जो साइन गिवन है मैं वही साइन यूज़ करूँगा, हैज यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, डॉलर की होनी चाहिए, और वही यहाँ पर गिवन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये भी आपके पास ट्रू था, ये आपके पास फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखिए ई और जेड के बीच में अगर मैं बात करता हूँ, इन दैट केस देखिए ई आपके पास ये गिवन है, ठीक है, और जेड आपके पास ये गिवन है। मैं ई से जेड कैसे जा सकता हूँ, मैं ई से पहले ए जाऊँ, अगर मैं ई से ए जाऊँगा इन दैट केस मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, मतलब क्या, यहाँ पर एंड यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ए से मैं क्या करूँगा, जेड जाऊँगा, अगर मैं ए से जेड जा रहा हूँ इन दैट केस मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मतलब मैं ये यूज़ करूँगा। उसके बाद हैश गिवन है, मतलब मैं ये यूज़ करूँगा। उसके बाद एट द रेट गिवन है तो मैं यही यूज़ करूँगा। इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है, एस्ट्रिक की गिवन होना चाहिए, और यहाँ पर वही गिवन है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ओके सो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो डी और ए के बीच में उसने मुझसे रिलेशन पूछा है, डी आपके पास ये गिवन है और ए आपके पास यहाँ गिवन है, आप डी से ए कैसे जा सकते हैं, अगर मैं डी से पी जाऊँ, अगर मैं डी से पी जाऊंगा इसका मतलब क्या है, मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा, मैं क्या यूज़ करूंगा, एट द रेट, ठीक है। उसके बाद पी से मुझे ए जाना है, तो पी से अगर मैं ए जाऊंगा इन दैट केस फिर से मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से यहाँ जाना है, क्या गिवन है आपके पास, एंड गिवन है, अगर एंड गिवन है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर से एंड गिवन है, मतलब मैं फिर से यहाँ पर टिक करूंगा। फिर उसके बाद एट द रेट गिवन है, मतलब यहाँ पर मैं टिक करूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एंड की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है आपके पास, एस्ट्रिक गिवन है, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी और ओ के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है, तो सी आपके पास यहाँ पर गिवन है और ओ आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो
तो सी से ओ आप कैसे जा सकते हैं? अगर आप सी से पहले क्यू जाइए, अगर मैं सी से क्यू जाऊंगा इन दैट केस मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज करूंगा। मतलब क्या यहां पर क्या गिवन है, आपके पास अ डॉलर गिवन है, तो मैं क्या यूज करूंगा, ये यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो क्यू से मेरे को ए जाना है, तो क्यू से ए मैं कैसे जा सकता हूं, मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज करूंगा। क्या गिवन है आपके पास, एंड गिवन है, मतलब मैं क्या यूज करूंगा, ये यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद एट द रेट गिवन है, मतलब मैं ये यूज करूंगा। इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है, वो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो वो गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये आपके पास गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला चेक करते हैं, क्यू और ए की बात करते हैं। देखिए अगर मैं क्यू की बात करता हूँ, क्यू से ए में लेफ्ट से राइट जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि जो साइन गिवन है मैं वही साइन यूज करूंगा। क्या गिवन है, एंड गिवन है, ओके। एट द रेट गिवन है, ओके। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, एंड की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एस्ट्रिक गिवन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। उसके बाद बी और आर की बात करते हैं। बी आपके पास यहाँ गिवन है और आर आपके पास यहाँ गिवन है, तो बी से आर आप कैसे जा सकते हैं? अगर मैं बी से क्यू जाऊँ तो मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा, इसका मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, डॉलर, इस पर टिक कर दिया। फिर यहाँ से मैं गया क्यू, अब क्यू से मुझे क्या करना है, आर जाना है, तो इसका मतलब मुझे फिर से लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, इसका मतलब जो साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, एंड गिवन है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या यूज़ करा था, मैंने ये यूज़ करा था, अब मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे एंड यूज़ करना है। दोनों आपके पास क्या अलग अलग ग्रुप्स के आ गए, इसका मतलब क्या, इनके बीच में हम कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। फिर से उसने हमसे क्या रिलेशन पूछा है, एस और एफ और एस के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है। एफ आपके पास यहाँ पर है और एस की अगर मैं बात करता हूँ तो एस आपके पास यहाँ पर है। आप एफ से एस कैसे जा सकते हैं, देखिए आप एफ से पहले ई जाइए, ठीक है। ई आपको कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। फिर आप ई से सी जा सकते हैं, सी आपको यहाँ पहुँचा देगा। फिर आप सी से एस जा सकते हैं, तो एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं एफ से ई जाता हूँ इन दैट केस मैं लेफ्ट से राइट जाऊँगा, तो जो साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। मतलब क्या, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ई से जब मैं सी जाऊँगा इन दैट केस मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। मेरे पास ये गिवन है, मतलब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर सी से पहुँच गया तो मेरे को सी से एस जाना है, फिर से मुझे राइट से लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। आपके पास क्या गिवन है, एट द रेट गिवन है, मतलब मैं यही यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद क्या गिवन है, एस्ट्रिक गिवन है, मतलब मैं फिर से यही यूज़ करूँगा। इसमें से देख लिए आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यहाँ पर डॉलर साइन की, और वही इनके बीच में गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉलो करेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखिए सेकंड उसने एच और एस के बीच में रिलेशन पूछा है। एच आपके पास यहाँ गिवन है और एस आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एच से एस कैसे आ सकते हैं, आप एच से पहले बी जाइए। अगर मैं एच से बी जाऊँगा इन दैट केस लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, एस्ट्रिक गिवन है। फिर देखिए ये भी एक और बार आपके पास एस्ट्रिक गिवन है। मैं बी से यहाँ पहुँच गया, अब मुझे अगर बी से एस जाना है इन दैट केस मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, एस्ट्रिक गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। दोनों आपके क्या अलग अलग ग्रुप्स के यूज़ होगा, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड चेक करते हैं, देखिए थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो डी और एफ के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है। डी आपके पास यहाँ गिवन है और एफ आपके पास यहाँ गिवन है। मैं डी से एफ कैसे जा सकता हूँ, मैं डी से पहले ई जाऊँ, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मैं ई से एफ जा सकता हूँ। अगर मैं डी से ई जाऊँगा इन दैट केस मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, और जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। मतलब क्या, आपके पास एस्ट्रिक गिवन है दो, ठीक है। उसके बाद ई से अगर मैं एफ जाऊँगा इन दैट केस मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, आपके पास डॉलर गिवन है, मैं डॉलर की जगह क्या यूज़ करूँगा, एस्ट्रिक यूज़ करूँगा। मतलब क्या, आपके पास सिर्फ एस्ट्रिक ही आ रहा है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए था, एस्ट्रिक ही होना चाहिए था, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए अगर मैं आई की बात करूँ, आई आपके पास यहाँ गिवन है और ई आपके पास यहाँ गिवन है। सो आई से ई मैं कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आई से पहले मैं बी जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बी पहुँच गया तो मैं यहाँ पर पहुँच गया, मैं बी से सी जा सकता हूँ, मैं सी से यहाँ पहुँच गया, फिर मैं सी से ई जा सकता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं इस तरीके से जा सकता हूँ। मतलब क्या, पहले मैं आई से बी जाऊँ, अगर मैं आई से बी जाऊँगा इन दैट केस मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। मतलब क्या, एस्ट्रिक गिवन है, तो मैं यहाँ पर एक टिक लगा दूंगा। फिर बी से जब मैं सी जाऊंगा इन दैट केस ऑल्सो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा, एट द रेट गिवन है, मतलब मैं यहां पर एक टिक लगा दूंगा। उसके बाद सी से अगर मेरे को ई जाना है इन दैट केस ऑल्सो जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, फिर से यहां पर मैंने टिक लगा दिया। आप ई पर पहुंच गए, अब देख लीजिए इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एस्ट्रिक की है, और वही यहां पर गिवन है, इसका मतलब क्या है, ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो ओ और पी के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। ओ आपके पास यहाँ गिवन है और पी की अगर मैं बात करूँ, पी आपके पास यहाँ गिवन है, तो ओ से पी आप कैसे जा सकते हैं, आप ओ से पहले एन जाइए, एन आपको यहाँ पहुँचा देगा, फिर एन से आप पी जा सकते हैं।
अगर मैं ओ से एन जाऊंगा इन दैट केस लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब क्या जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा, डॉलर गिवन है। उसके बाद एन से जब मैं पी जाऊंगा इन दैट केस मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा, तो जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूंगा। एस्ट्रिक गिवन है मैं क्या यूज़ करूंगा, डॉलर यूज़ करूंगा। एट द रेट गिवन है मैं एट द रेट यूज़ करूंगा। इन तीनों में से हाइस्ट प्रायरिटी किसकी है, डॉलर की है, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या आपके पास हैज गिवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, एल और एम के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। एल आपके पास ये गिवन है, एम आपके पास ये गिवन है। एल से एम आप कैसे जा सकते हैं, आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब क्या जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूंगा। यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, डॉलर गिवन है, डॉलर यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद हैज गिवन है, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। फिर उसके बाद एंड गिवन, सॉरी एट द रेट गिवन है, मतलब आपने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन तीनों में से हाइस्ट प्रायरिटी किसकी है, डॉलर की है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डॉलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, हैज गिवन है, इसलिए ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी और एम के बीच में हमें रिलेशन को निकालना है। तब देखिए, अगर मुझे सी सी की बात करता हूँ, सी आपके पास यहाँ गिवन है और एम आपके पास यहाँ गिवन है, तो सी से एम आप कैसे जा सकते हैं, मैं सी से पहले आर जाऊँ, आर से मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आर से मैं एम जा सकता हूँ। अगर मैं सी से आर जाऊंगा इन दैट केस, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, एट द रेट गिवन है, तो मैं एट द रेट ही यूज़ करूँगा। उसके बाद हैज गिवन है तो मैं हैज यूज़ करूँगा। फिर आर से जब मैं फिर से एम जाऊँगा तो इन दैट केस ऑल्सो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, अ हैज गिवन है, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद एंड अ एट द रेट गिवन है, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। अब इन दोनों में से देख लीजिए हाइस्ट प्रायरिटी किसकी होनी चाहिए थी, हैज की होनी चाहिए थी, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर डी और पी के बीच में उसने आपसे रिलेशन पूछा है, तो देखिए डी आपके पास यहाँ है और पी आपके पास यहाँ है, आप कैसे जा सकते हैं, आर के थ्रू ही जा सकते हैं। पहले डी से आप आर जाइए, अगर मैं डी से आर जाऊँगा तो हैज यूज़ करूँगा, मतलब यहाँ पर एक टिक लगा दिया। फिर आर से मैं अगर मैं पी जाऊँगा तो फिर से मैं हैज यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। आपके पास इनके बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा। अब एक हमारे पास पजल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास एक पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ट्राई करिए, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है देर आर एट मेंबर्स, आठ मेंबर्स हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं एक फैमिली में, ऑल आर सेटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी तक उसने क्या बताया कि आठ लोग हैं, तो एक काम करता हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, टोटल आपके पास एट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, एक और पॉसिबिलिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, अब इसके बाद कंडीशंस को लिखते हैं। कंडीशन उसने क्या बोला कि ब्रदर ऑफ सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हिज ग्रैंड मदर। ओके, जो सी का भाई है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सी का एक भाई है, ठीक है, जो सी का भाई है वो कहाँ पर बैठा है, सी इज ब्रदर, वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उसकी ग्रैंड मदर से, ठीक है, सी इज ग्रैंड मदर, फाइन, मतलब क्या कि सी का कोई पेरेंट है, उसकी मदर कौन है, वो है यहाँ पर, ठीक है, ग्रैंड मदर है। ओके, उसके बाद बी इज सन ऑफ एम, बी कौन है, बी सन है किसका, एम का। ओके, उसके बाद एम्स वाइफ, एम्स वाइफ सिट एट दी सिट टू दी एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। ओके, एम्स वाइफ, इसका मतलब क्या है, एम होगा आपके पास मेल और इसकी एक वाइफ है, ठीक है, और उसने क्या बोला कि जो एम की वाइफ है वो कहाँ पर बैठी है, एक्सट्रीम राइट पर, मतलब क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं एम्स वाइफ, ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एम्स वाइफ, ठीक है। उसके बाद बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, बी कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ ए। ओके, इसके बाद ओ सिस्टर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। ओके, ओ एंड हर सिस्टर इज इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ओके, और उसने कहा कि ओ की जो सिस्टर है, ठीक है, ओ उसकी एक सिस्टर है, फाइन, वो कहाँ पर बैठी है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट एंड। ओके, थर्ड टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, मतलब क्या यहाँ पर होगी ओ की सिस्टर, ओज सिस्टर, ठीक है, ओज सिस्टर, फाइन। और उसने क्या बोला कि ओ और उसकी जो सिस्टर है वो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के साथ बैठे हुए, मतलब क्या ओ होगा या तो यहाँ पर या फिर ओ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। ओके, उसके बाद उसने बोला कि सी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। ओके, सी कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, फाइन। अच्छा देखिए, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ, उसने यहाँ पर क्या बोला था हमसे कि बी कहाँ पर है, वो इमीडिएट राइट में है ए से, और यहाँ पर उसने क्या बोला कि सी कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट है ए से। इसका मतलब क्या है कि ए बी सी ये तीनों क्या होंगे, साथ में होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि एन इज मदर ऑफ बी, एन कौन है, मदर है किसकी, बी की, इसका मतलब एन आ जाएगी यहाँ पर
ये चीज़ हमें क्लियर है, ठीक है। ओके, इसके बाद पी सिट्स इमीडिएटली बिटवीन हर ग्रैंड मदर एंड हर फादर्स ओनली सन। ओके, और उसने क्या बोला कि पी कहाँ पर है? पी अपनी ग्रैंड मदर, पी सिट्स इमीडिएटली बिटवीन जो उसकी ग्रैंड मदर है, पी इज ग्रैंड मदर, ठीक है, और उसके फादर का जो इकलौता सन है। अब देखिए, उसके फादर का इकलौता सन होगा वो कौन होगा? ऑब्वियसली इसका भाई होगा, ठीक है, पी इज ब्रदर। और फिर पी क्या होगा बताइए? पी फीमेल ही तो होगी ना। अच्छा, मतलब क्या ये तीनों साथ में हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसने क्या बोला कि एम इज मैरिड टू पी इज ग्रैंड मदर। ओके, एम मैरिड करता है किससे? पी की ग्रैंड मदर से। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ ना, तो देखिए एम किससे मैरिड करता है? पी की ग्रैंड मदर, मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? एन की, ये होगा एन, ठीक है, एन और पी दोनों साथ में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी जो डॉटर होगी वो कौन होगी? पी होगी, ठीक है, तभी तो पी की ग्रैंड मदर कौन होगी? एन होगी ना। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला कि पी इज सिस्टर ऑफ सी एंड डी। अच्छा, पी कौन है? सिस्टर है किसकी? सी और डी की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसको मैं लिख लेता हूँ, पी सिस्टर है किसकी? सी और डी की, फाइन। अच्छा, उसके बाद देखिए एम सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ बीज सिस्टर। ओके, एम कहाँ पर है? सेकेंड टू द लेफ्ट, किससे? जो बी की सिस्टर इन लॉ है। ओके, बीज सिस्टर इन लॉ, फाइन। उसके बाद सी इज डॉटर ऑफ ओ। सी कौन है? सी डॉटर है किसकी? ओ की। ओके, उसके बाद ओ इज डॉटर इन लॉ ऑफ एन। ओके, और ओ कौन है? वो डॉटर इन लॉ है किसकी? एन की। ओके, अच्छा, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये देखिए बी कौन है? इन दोनों का सन है ना, ठीक है, तो इसकी वाइफ कौन होगी? ओ होगी, तभी तो ओ कौन बन पाएगी? एन की डॉटर इन लॉ बन पाएगी, ठीक है। और फिर इसका जो एक डॉटर है वो कौन है? वो है सी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हमने अभी तक सारी कंडीशंस लिख ली, अब इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले हम एक काम करते हैं क्या कि फैमिली ट्री इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बनाता हूँ जिससे कि एक चीज़ क्लियर हो जाए। आपके पास एम है, वो मेल है, ठीक है, इसकी वाइफ कौन है? एन है, फाइन। इनका एक सन है कौन? बी, ठीक है, और इसकी वाइफ कौन है? वो है ओ, ठीक है, और उसके बाद इनकी एक डॉटर है पी और एक है सी। उसने क्या बोला था कि पी सिस्टर है किसकी? डी और सी के, ठीक है, और पी कौन है? उसने बोली थी कि ये देखिए ये वाली कंडीशन जो थी ना कि पी सिट्स इमीडिएटली बिटवीन हर ग्रैंड मदर एंड हर फादर्स ओनली सन। अगर फादर का ओनली सन है, इसका मतलब क्या है? इनका सिर्फ एक भाई होगा। अब इनमें से भाई कौन हो सकता है? डी ही तो होगा ना, मतलब क्या डी आ जाएगा यहाँ पर? डी कौन है? वो होगा मेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला था कि एम कहाँ पर है? सेकेंड ऑफ बी सिस्टर इन लॉ। बी की सिस्टर इन लॉ, इसका मतलब क्या हुआ कि ओ की कोई सिस्टर होगी, तभी तो बी की सिस्टर इन लॉ वो हो पाएगी। अब देख लीजिए आपके पास कौन रह गया, एम एन ओ पी ए रह गया, तो ए आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा इसका क्या? फैमिली ट्री। अब देखिए इसको हम पुट करते हैं, यहाँ पर अगर मैं एम की वाइफ की बात करता हूँ तो वो कौन है? एन है, एन आ जाएगा यहाँ पर, एन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद ओ की सिस्टर की बात करता हूँ तो वो कौन है? ए है, ए आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन है? ओ है। अब देखिए ओ आपके पास कौन था? फीमेल। ओके, ओ आपके पास क्या है? फीमेल है, ठीक है। अब देखिए बी का जो सिस्टर इन लॉ है वो कौन है? ए है, तो उसने बोला था क्या कि ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है? एम है, मतलब क्या एम आ जाएगा यहाँ पर, और एम क्या है? वो मेल है, और इस कंडीशन के हिसाब से भी अगर देखता हूँ तो एम आ जाएगा यहाँ पर, ये क्या है? मेल है, ठीक। अब मैं अगर इस कंडीशन को यूज़ करता हूँ तो देखिए एम, सॉरी एन, पी और पी का जो भाई है, पी का भाई मतलब डी, ये तीनों साथ में, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? पी आएगा यहाँ पर फीमेल, और एन आएगा, सॉरी डी आएगा यहाँ पर जो कि मेल है। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं बना सकता हूँ, पी आएगा यहाँ पर और डी आएगा यहाँ पर। अब देखिए, अब अगर मैं ए बी सी को पुट करना चाहूँ तो यहाँ पर तो पुट कर नहीं सकता हूँ ना, मैं सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, मतलब क्या बी आएगा यहाँ पर और सी आएगा यहाँ पर, ठीक है। बी आपके पास क्या है? मेल है, और सी आपके पास क्या है? फीमेल है, तो ये बनेगी क्या इसकी फाइनल पजल, और ये बनेगा इसका फैमिली ट्री, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज जितने भी हमने क्वेश्चंस किए। थैंक यू सो मच।